डे बाय डे समर की हीट बढ़ती ही जा रही है, जिसका असर हमारी हेल्थ पर भी पड़ रहा है। और उससे बचने के लिए आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और अगर आप स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग हो तो आपके लिए ये और भी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी मालविका एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो समर्स में नॉर्मल है सन टैन होना, स्किन ऑयली होना, तो उसके लिए मैंने ये टू इंग्रेडिएंट्स फेस मास्क बनाया है। इसमें मैंने लिया है मुल्तानी मिट्टी और कर्ड, इनको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। बट अगर आप कोई भी DIY यूज कर रहे हो तो एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लेना। ये टू इंग्रेडिएंट फेस मास्क है तो ये जल्दी बन भी जाता है और हर स्किन टाइप के लिए बेस्ट भी है ये। तो इसे आप वीक में 2 बार यूज कर सकते हैं। ये सारी स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। ये पैक हमारे फेस के एक्सेस ऑयल को कंट्रोल भी करेगा, ओपन पोर्स को कम करेगा, डार्क सर्कल्स को हटाएगा और हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाएगा। इसे अप्लाई करो, पार्शियल ड्राई होने दो एंड फिर उसके बाद किसी वेट हैंकी से इसे क्लीन कर लो और फिर ठंडे पानी से अपने फेस को धो लो। बट इसे क्लीन करने से पहले ना आप इसे एक बार वेट कर लो, जैसे मैंने अभी स्प्रे बॉटल से किया था, एंड फिर इसके बाद क्लीन करो तो बहुत इजिली ये निकल जाता है फेस से आपके। नेक्स्ट टिप इज टू यूज फ्रोजन एलोवेरा। तो मैंने ये एलोवेरा को फ्रीजर में रख दिया था तो ये फ्रीज हो चुका है। बस इसे आपको कुछ नहीं करना, बस निकालना है एंड फिर इसे अपने फेस पर अच्छे से रब करना है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ना, तो समर में सेंसिटिव स्किन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, रैशेज होने लग जाते हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम होने लग जाती है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होने लग जाती है, ऑयल प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो आप इन सब सिचुएशन में आप लगा सकते हो, इन सब सिचुएशन से बचने के लिए आप एलोवेरा बस फ्रीज करो और लगा लो। अभी समर चल रहा है तो आप कोशिश करो कि आप ढीले कपड़े पहनो और वो कॉटन के हों। जितना ज्यादा ढीला और कॉटन का कपड़ा आप पहनोगे उतना ज्यादा ही अच्छा रहेगा। आप प्लाजोज पहन सकते हो या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पहनो कॉटन के पहनो। हम सब सनस्क्रीन तो लगाते हैं लेकिन अंडर आई एरिया में सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एक्स्ट्रा सनस्क्रीन लेकर आपको अपने अंडर आई एरिया में अच्छे से सर्कुलेट करते हुए मसाज करना है, क्योंकि हमारे अंडर आईज की स्किन जो होती है वो थोड़ी थिन होती है तो उसपे सन का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, तो हमें डार्क सर्कल्स और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। समर में आप जब भी घर से बाहर निकलो तो आप पूरी बॉडी को तो कवर रहती ही है लेकिन फेस को कवर करना भूल जाते हो, तो आप ऐसे स्टॉल्स अपने पास रखो और इस तरीके से आप अपने आपको कवर करके आप बाहर निकलो ताकि सन डैमेज से आप बचो। समर्स में हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी इंटरनली केयर नहीं करते हैं। जितना ज्यादा हम अपनी बॉडी को लिक्विड देंगे समर्स में उतना ज्यादा डिहाइड्रेशन कम होगा। तो आप कोई भी लिक्विड ले सकते हो, कोई भी लिक्विड चीज ले सकते हो, जैसे छाछ हो गया और जूस हो गया, कुछ भी आप लिक्विड में ले सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। और इसके साथ आप कोई भी वाटरी फ्रूट ले लो, छाछ तो मेरा फेवरेट है, छाछ मुझे बहुत पसंद है, मैं चाय की जगह पे छाछ ही पीना पसंद करती हूँ और ये समर में हीट को कम करता है। और आप कोई भी वाटरी फ्रूट खा सकते हो जो आपको आपका फेवरेट हो, आपको पसंद हो, तो खाओ और हेल्दी रहो। तो ये थी आज की मेरी कुछ टिप्स। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।